भाजपा के वरिष्ठ किसान नेता पाशा पटेल द्वारा शनिवार को पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए वे बोले कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बांबू लगाने चाहिए क्योंकि उससे 2 लाख रुपए बचते हैं। वहीं उन्होंने इस दरमियान बांबू के फायदे के बारे में भी जानकारी साझा की। शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ किसान नेता पाशा पटेल की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने किसानों को आह्वान किया कि वो ज्यादा से ज्यादा की मात्रा में बांबू लगाएं। आगे बात करते हुए वे बोले कि भविष्य में सारे थर्मल बांबू पर चलने वाले हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की जगह इथेनॉल का उपयोग किया जाएगा जो बांबू से निकलता है, जिसके चलते अब बांबू की आवश्यकता बढ़ेगी जो किसान के लिए ढेर सारा मुनाफा प्रदान करेगा। मी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की आता कापूस, ऊस, ज्वारी, बाजरी ह्याच्यामध्ये 10-20-25 हजारापेक्षा जास्त उरत नाही, परंतु बांबूमधून एकरी 2 लाख रुपये उरतात। तर 2 लाख रुपये बांबूमधून उरतात म्हणून बांबूची लागवड करायची। तुम्ही म्हणसाल की बांबूचा उपयोग काय, मी म्हणेन की जगभरातले जेवढे थर्मल आहेत ते आता बंद करायची शिफारस पॅरिस ॲग्रीमेंटमध्ये झालेली आहे। मी तुम्हाला सांगतो की आता आपण जे काही कोळशावर आधारित औष्णिक 20 प्रकल्प आहेत, हे सगळे प्रकल्प आता बायोमास म्हणजे बांबूच्या बायोमासपासून चालवायचं ठरलेलं आहे। 4 कोटी एकर हे पाहिजे बांबू देशातले सगळे थर्मल चालवायला, म्हणजे आता सगळे थर्मल बांबूवर चालणार आहेत। त्याच्यानंतर आता पेट्रोल आणि डिझेल बंद करायचं आहे, त्याच्याऐवजी इथेनॉल चालवायचं आहे। आता बांबूपासून इथेनॉल तयार होत आहे। आत्ता 22 ऑगस्टला नुमालीगड आसाममध्ये वार्षिक 6 कोटी लिटरची 5 लाख टन बांबूपासून रिफायनरी सुरू होऊ लागलेली आहे। म्हणजे आता एक गोष्ट आहे की डिझेल बांबूपासून, पेट्रोल बांबूपासून, दगडी कोळसा बांबूपासून, कपडे बांबूपासून, फ्लोरिंग बांबूपासून, POP बांबूपासून, म्हणजे आता 1800 वस्तू बांबूपासून तयार होतात। म्हणून बांबूचा वापर वाढणार आहे। बांबू एक कल्पवृक्ष आहे, माणसाला 280 किलो ऑक्सिजन लागतं, बांबूचं झाड 320 किलो ऑक्सिजन देतं। जे कार्बनची जी आता भीती तयार झालेली आहे जगभरामध्ये, एक बांबू हे असं पीक आहे की जगातल्या सगळ्या झाडापेक्षा 30% अधिक। वही इस दौरान उन्होंने बांबू से होने वाले फायदों के बारे में भी अधिक जानकारी साझा की। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।